नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रूबरू करा रहे हैं सीए पंकज केडिया से, जिन्होंने कई किताबें लिखी है और वो कई किताबों को मार्केट में विक्रय कर रहे हैं। आइए जानते हैं उस किताबों के बारे में। नमस्कार सर। नमस्कार सर, उन किताबों के बारे में बताएं जो आज अमेजोन पे उपलब्ध है, और वो कई जानकारी वाली जो किताबें हैं उनके बारे में कुछ बताएं। देखिए, आज के दिन जो रिलेवेंट विषय है, जो समस्याएं लोगों की, उन समस्याओं पर किताब लिखने का एक छोटा सा प्रयास मैंने किया है जी। मैंने 5 पुस्तकें लिखी हैं जो अमेजोन पर उपलब्ध हैं, उसमें से एक किताब है विक्टिम ऑफ बैंकिंग फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड की जब कोई विक्टिम हो जाते हैं तो उनके पैसे उनको कैसे वापस मिले, ये एक बहुत बड़ा मूल प्रश्न होता है लोगों के पास। लोग कंप्लेन करते हैं, उसके बाद महीनों बीत जाते हैं और पैसे वापस नहीं मिलते हैं। तो एक प्रयास किया है मैंने ये बताने का, और ये किताब अमेजन पे उपलब्ध है, और ये हाउ टू गेट योर मनी बैक। इस किताब में आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटी सब कुछ बताई गई है। इसका मूल्य 200 रुपए है, और इस पुस्तक का विमोचन माननीय राज्यपाल पश्चिम बंगाल श्री जगदीप धनखड़ जी ने किया, ये मेरा सौभाग्य है जी। बहुत बढ़िया। और जो आपने किताबें लिखी है उनके बारे में बताया। दूसरी किताब है आरटीआई के ऊपर में, हिंदी में ये किताब है, ये साधारण दैनिक जीवन में कैसे आरटीआई का यूज। आज तक हम लोग ये जानते हैं कि आरटीआई का यूज भ्रष्टाचार के लिए किया जाता है, बड़े बड़े घोटालों को पर्दाफाश, ऐसा नहीं है। दैनिक जीवन में भी हम आरटीआई को बहुत सहजता से यूज कर, चाहे वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, कोर्ट हो, किसी भी न्यायालय, किसी भी डिपार्टमेंट से हम इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, जो हमारे बहुत काम का इन्फॉर्मेशन होता है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आप कर सकते हैं। तो ये भी किताब हिंदी में लिखी गई है, और साधारण दैनिक जीवन में साधारण लोगों को कैसे ये उपयोगी बना पाए, इसका एक प्रयास मैंने किया है, और ये मेरी दूसरी किताब है। मेरी तीसरी किताब है सिंगल पेरेंटिंग। आज के समाज में पारिवारिक विघटन एक बहुत बड़ी समस्या है। लोग अलग हो रहे हैं, लोगों के परिवार विभाजित हो रहे हैं। उस परिस्थिति में परिवार में जो बच्चे हैं वो कैसे बड़े हों, तो सिंगल पेरेंट की बहुत बड़ी भूमिका आज के समाज में है, और इनमें कुछ तथ्यों को मैंने लिखने का प्रयास किया है, जो सिंगल पेरेंट्स हैं उनके लिए किताब बहुत ही उपयोगी है। मात्र 100 रुपीज इसका दाम रखा है, और ये भी अमेजन पे उपलब्ध है जी। चौथी किताब है सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं। गांव से, कस्बों से जो लोग शहर में सपने लेकर आते हैं, उनमें तमाम क्षमताएं होती हैं, बस नहीं होता है तो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आत्मविश्वास की कमी होती है। तो वो जो छोटी छोटी बदलाव आप अपने जीवन में लाएंगे, ताकि शहर की भागदौड़ में गांव की प्रतिभा कैसे बड़ा मुकाम हासिल करे, ये तमाम बातें इस किताब के माध्यम से, छोटी सी पुस्तक है, इसको मैंने कहने का प्रयास किया है। इसमें एक गांव कस्बे से निकलकर एक सपना लेकर जो व्यक्ति सक्सेसफुल बनने शहर में आता है, उसके तमाम क्या क्या बाधाएं उसको आती हैं और कहां पे उसको रुकावट आती है, इन तमाम बातों को सरलता से, सहजता से समझाने का प्रयास इस किताब में किया गया है जी। बहुत बढ़िया पंकज जी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को जागरूक बनाना चाहते हैं तो पंकज जी केडिया के इन चारों किताबों को खरीदें और अपने जीवन को सरल और सुरक्षित बनाएं। नमस्कार। Okay.